Good morning, Professor. Morning, very good morning. Come. Wish you many, many happy returns of the day, Dr. Saab. Thank you very much indeed. Better. Kal classroom mein kafi der tak aapka intezar kiya, Dr. Saab. I know, Ramesh, and I'm very, very sorry for that. Kal bahut dinon ke baad mere ek bade purane dost ne mujhe phone kiya aur bataya ki uske chote bhai ki abhi nayi nayi shaadi hui hai aur uske kuch problems hain, jinki wajah se wo bahut upset hai. और जहां कहीं मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स आई नहीं कि बस आपको समन्स आ जाते हैं, इज इट नॉट? क्या करें भाई, डॉक्टर बन बैठा हूं और वो भी सेक्सोलॉजिस्ट. मगर रमेश, मुझे रियली बड़ा ताज्जुब होता है कि हमारे देश के पढ़े लिखे इंटेलिजेंट नौजवान भी स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में कितने अनाड़ी और नासमझ होते हैं, एब्सोल्युटली इग्नोरेंट. उसकी प्रॉब्लम क्या थी डॉक्टर साहब? रमेश, यू आर फॉरगेटिंग, डॉक्टर लोग अपने पेशेंट की बीमारी के बारे में दूसरों से डिस्कस नहीं करते. आई एम राइट डॉक्टर? यस, यू आर राइट, बट आई एम टॉकिंग इन जनरल टर्म्स. मजे की बात यह है शीला, कि बड़े भाई ने मुझे फोन करके बुला लिया कि छोटे भाई की कोई प्रॉब्लम है और अपना फर्ज पूरा हो गया समझकर बड़े मजे से हट गए. मगर छोटा भाई, वो आप लोगों ने कहावत तो सुनी होगी, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह. मुंह खोल के पूरी बात ही ना करें. मैंने कहा, देखो भैया, डॉक्टर कोई भगवान की तरह अंतर्यामी तो होता नहीं कि उसे पेशेंट को देखते ही उसकी बीमारी का पता चल जाए. ये तो पति पत्नी के आपसी संबंध की बातें हैं. जब तक पूरी बात नहीं बताओगे, मैं कोई भी सलाह कैसे दे सकता हूं? साहब, बड़ी मुश्किल से उसके मुंह में उंगली डाल के उसका मुंह खोलना पड़ा और जब उसने बड़े शर्माते हुए मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताई तो मैं तो हैरान रह गया कि सेक्स के बारे में उसके विचार, उसके ख्याल कितने पुराने और कितने गलत थे. तो मैंने उसे पूछ लिया कि अच्छा बरखुरदार, तुमने अपनी फीलिंग्स और ख्यालों के बारे में अपनी नई नवेली दुल्हन को कुछ बतलाया तो लगे पे शर्माने. Is it? डॉक्टर साहब, हम नौजवानों को कॉलेज की पढ़ाई से फुर्सत ही कब मिलती है, बाकी सब चीजें स्टडी करने की, और पढ़ाई के बाद स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल शुरू हो जाता है. Oh, come on, Sheila, for God's sake, don't give me all that crap. सारी गलत, गंदी और गैर जरूरी जानकारी हासिल करने के लिए तो तुम लोगों को फुर्सत मिल जाती है, लेकिन सही, सच्ची और साइंटिफिक जानकारी हासिल करने के लिए तुम लोगों के पास वक्त नहीं. क्यों शीला, डॉक्टर साहब से बहस करके तुम कभी जी सकती हो? चलो, प्रैक्टिकल्स के लिए देर हो रही है. अच्छा डॉक्टर साहब, फिर मिलेंगे. See you and thanks again for the lovely flowers. देख रहे हैं आप, ये नौजवान लड़का लड़की भी पढ़ाई खत्म करते ही हमारे देश के करोड़ों नौजवानों की तरह देर सवेर शादी कर लेंगे और जीवन के संग्राम में कूद जाएंगे. फिलहाल ये डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी जिंदगियों में वैवाहिक जीवन या यौन संबंधों की कोई समस्याएं नहीं आएंगी. मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि मेरे पास ऐसा कोई जादुई नुस्खा है जो इनकी समस्याओं को हल कर देगा. काबिल से काबिल मनोविशेषज्ञ को भी कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनका हल ढूंढते ढूंढते वो खुद मात खा जाते हैं, क्योंकि कोई भी दो केसेस
एक जैसे नहीं होते हैं। हर एक जोड़े की अलग अलग समस्याएं होती हैं, अलग अलग वजहें होती हैं, अलग अलग माहौल होते हैं। आप आइए मेरे साथ, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। हाँ, तो मेरे उसी दोस्त के छोटे भाई का किस्सा ही ले लीजिए। हालांकि एक डॉक्टर होने के नाते अपने किसी भी पेशेंट की बात को दूसरों को बताना जायज नहीं है, पर क्योंकि आज हम स्त्री पुरुष के आपसी संबंधों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए मेरे ख्याल से एकेडमिक तौर पर बताने में कोई हर्ज भी नहीं है। हाँ, तो उस नौजवान का नाम है रोशन कुमार। काफी पढ़ा लिखा, होनहार, खूबसूरत नौजवान है ये। जिंदगी में आगे बढ़ने की तमन्ना रखने वाला। जहां इसका जन्म एक साधारण आम हिंदुस्तानी परिवार में होगा, ऐसे परिवार में जहां घंटों इन बातों पर बहस होती है कि घर की दीवारों का रंग कैसा होना चाहिए, पंखा कौन सा खरीदना बेहतर होगा, खाना कैसा खाना चाहिए, वगैरह वगैरह। मगर सेक्स, प्रेम या पति पत्नी की अंदरूनी बातों के बारे में जिक्र या बात करना अशिष्ट और असभ्य।